इस नवरात्रि चिकन और एग नहीं खाना है, फिर भी मसल मास मेंटेन रहेगा। नवरात्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमको डाइट को लेके, क्योंकि मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, बट हम वेजिटेरियन डाइट लेके भी अपने मसल मास को मेंटेन कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम चिकन और एग खाएं तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैं चिकन नहीं खाता हूँ, लंच में दाल चावल भी खाता हूँ और हमें रिजल्ट मिलता है। बस हमें अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। वो सोर्स आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने चिकन तो छोड़ दिया है, वैसे एग खाता हूँ, बट हम इस नवरात्रि एग भी नहीं खाएंगे, प्योर वेजिटेरियन डाइट। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं मॉर्निंग में मेरे ब्रेकफास्ट में एग रहता है, तो वहाँ पे मैं पनीर को यूज़ करूँगा। जो हमारा लंच है, जहाँ पे पहले चिकन रहता था, फिर हमने उसको रिप्लेस किया दाल से। लंच में मैं दाल यूज़ करता हूँ और इवनिंग में मैं फिर एग खाता था, वहाँ पे फिर मैं वे प्रोटीन यूज़ करूँगा। और रात में हम चिकन या एग यूज़ करते थे मील में, डिनर में, वहाँ पे हम फिर से पनीर को यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाएगा और हमारा मसल मास ड्रॉप भी नहीं होगा। और जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते थे वही करेंगे, और जो अपने गोल के अकॉर्डिंग हम सब करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेजिटेरियन डाइट से भी हम अपने मसल मास को मेंटेन कर सकते हैं, बस हमें अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है। प्रोटीन बॉडी को मिल रहा है, बॉडी मेंटेन रहेगी, आपको कोई भी नॉनवेज फूड पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग हम पूरी डाइट में कैलकुलेट करेंगे। ऐसे करके हम अपनी डाइट को डिज़ाइन करते हैं, जिससे नवरात्र में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारा मसल मास कम हो रहा है या हमारी बॉडी नहीं बन रही है, हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वर्कआउट अच्छा नहीं हो रहा है। आप भी अपने डाइट को इम्प्रूव करके वीगन रह सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट भी मसल बिल्डिंग के लिए है। और डाइट चार्ट के लिए DM कर सकते हो।